67-1 za 67. 67-2 za 134. 67-3 za 201. 67-4 za 268. तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे जो है टेबल्स को यहाँ पे जो है डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, मतलब कोई भी टेबल हो, मतलब कितने का भी हो, विद वॉइस के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया, नॉर्मली अगर जनरली देखें तो 20-25-30 तक जो है नॉर्मली सभी को याद होता है, ठीक है। मे भी अगर टेबल्स याद है तो काफी अच्छी बात है। मैथ्स में क्या होता है कि कभी कभी कई सारे ऐसे टेबल्स होते हैं जो कि मे भी कई सारे जो है यहाँ पे कई सारे लोगों को याद नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो आपको यहां पे बोलने के साथ, मतलब वॉइस भी आपको जो है सुनने को मिलेगी। कोई भी टेबल हो उसका वॉइस भी आपको सुनने को मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपको एक क्विज भी जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो है क्विज को सॉल्व करके जो है अपनी मैथ के टेबल को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं काफी अच्छा एप्लीकेशन है जो कि आपके जो मैथ टेबल है उसको और भी स्ट्रांग बना सकता है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, मैथ टेबल के ऊपर, ठीक है। काफी अच्छा एप्लीकेशन है, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, 20-25-30 तक नॉर्मली जनरली जो है यहाँ पे टेबल्स मतलब याद करने लायक होता है, एंड ऐसे में कई सारे लोगों को याद भी रहता है, ठीक है। अब जनरली अगर 30 प्लस की हम बात करें या फिर 40 प्लस की बात करें, मतलब जहां तक आपको आता है, ठीक है, चाहे 20 तक आता हो चाहे 25 तक आता हो, जितने तक भी टेबल आता है उसके आगे का अगर टेबल आपको याद करना है, ठीक है, तो आप ऐसे में गूगल करते हैं कि गूगल में सर्च करते हैं कि उस टेबल मतलब कौन कौन सी कैसी होगी क्या होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो है आपको टेबल कितने का भी टेबल हो, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में, आप यहाँ पे उसको क्लिक करना पड़ेगा, आपको उस नंबर को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो टेबल है बिल्कुल विद वॉइस के साथ आपको बिल्कुल सुनाई देगा, और कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। लेकिन भाई पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते, मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, आपको भी सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल अप टू 10, मतलब पहले वाला जो ब्लू कलर का कॉलम है इसमें आपको 10 तक, मतलब 10 तक यहाँ पे टेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 10 तक मिलता है, उसके आगे भी जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नीचे की साइड में जो है अप टू 20 लिखा है, मतलब यहाँ पे 200 तक भी मिल जाता है, ठीक है, मतलब 100 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से जो है मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, पहले मैं आपको इसके जो है यहाँ पे फैक्टर बता देता हूँ कि आपको कैसे यूज करना है, मतलब कैसे आपको टेबल सुनाई देगी, उसके बाद क्विज का कैसे है, मतलब सीन है इसका, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर टेबल जो है दिखाता हूँ, जिसे मान लीजिए 67 का टेबल है, ठीक है, हमको नहीं आता, तो यहाँ पे ब्लू कलर का कॉलम है, आपको सिंपली टैप करना, वो आपको आवाज भी सुनाई देगी, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। 67-4 za 268। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये कुछ यहाँ पे, हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा मतलब यहाँ पे ये टेबल्स को जो है यहाँ पे विद वॉइस के साथ जो है पूरा टेबल जितना भी है मतलब ऑल ओवर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम जब टेबल ओपन कर रहे हैं तो टेबल में आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ठीक है, पूरा यहाँ पे देख सकते 61-10 तक आपको पूरा यहाँ पे टेबल मिल जाता है, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे कितने का भी आप टेबल हो 100 तक यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये काफी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है। अब चलिए एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपली टिप यहाँ पे एग्जाम पर टैप करना है, यहाँ पे आपको 3 से 4 एग्जाम मिलते हैं, मतलब इजी, नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। वेरी हार्ड में जाएंगे तो वेरी हार्ड में आपको पता ही है जनरली वेरी हार्ड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, नॉर्मल में जाते हैं तो नॉर्मल में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14-1 जो है 14 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कुछ कुछ सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड में आते तो ये देखते हैं हार्ड का भी यहाँ पे दिया गया है इन्होंने, और वेरी हार्ड पे आते तो भाई ये देख सकते हैं वेरी हार्ड का भी दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उन टेबल्स को एक बार रीड कर लेंगे ना तो उसके बाद ये टेबल्स आपके लिए सिंपल ही हो जाएगी, मतलब वो याद रहेगा आपको तो काफी बढ़िया रहेगा। तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें विद वॉइस के साथ आप मैथ के टेबल को जो है यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप मैथ के यहाँ पे टेबल्स को जो है यहाँ पे जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वॉइस के साथ आप बिल्कुल क्लियर वॉइस के साथ जो है इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।